मैं मुक्ति एंड आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दैट इज दैट कंपल्सरी टू गो टू जिम अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं या फिर हम फिट रहना चाहते हैं या फिर हम मस्कुलर दिखना चाहते हैं तो क्या हमारा जिम जाना कंपल्सरी है. बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, काफ़ी लोगों का इस चीज़ को लेके काफ़ी डाउट है कि क्या जिम जाना ज़रूरी है अगर हम वेट लूज़ कर रहे हैं या फिर हम टोंड दिखना चाहते हैं. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर हम जिम जा रहे हैं और हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं एंड जितनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी उतना ही हम टोंड दिखेंगे, उतना ही वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा. तो अब सवाल ये उठता है कि बिना जिम जाए या फिर बिना हैवी वर्कआउट किए, हैवी लिफ्टिंग किए बिना हम टोंड बॉडी या फिर वेट लूज कर सकते हैं, देन ऑफ कोर्स यस. तो मैंने आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम चार टॉपिक पे बात करेंगे. तो सबसे पहला हम करेंगे बॉडी वेट ट्रेनिंग. बॉडी वेट ट्रेनिंग यानी कि जितनी भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं घर पे जिसमें कि हम किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करते हैं. बॉडी वेट यानी कि हम अपने बॉडी को ही एज अ वेट यूज़ करके अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं. तो इसमें हमारे पास जैसे पुशअप्स आ जाते हैं, स्क्वाट्स आ जाते हैं, बर्पीज आ जाती हैं. तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर हम बात करते हैं बॉडी वेट वर्कआउट्स की. सबसे पहला एडवांटेज है कि आप इसको कार्डियो के साथ कंबाइन करके भी वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि आप बर्पीज कर सकते हैं. आप मेरी और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, 10 मिनट्स वर्कआउट, 15 मिनट्स वर्कआउट. बिकॉज मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस डालती हूँ, वीडियोज़ डालती हूँ, उसमें ज़्यादातर बॉडी वेट वर्कआउट्स रहते हैं. और हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट बॉडी वेट वर्कआउट का ये है कि ये हमारे को फैट लूज़ करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फैट लॉस फास्ट हो तो बॉडी वेट ट्रेनिंग को अपने शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करें. थर्ड हमारे पास एडवांटेज है इसका कि इट इज़ चैलेंजिंग. और जितना ज़्यादा आप चैलेंजिंग वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी पे फ़र्क नज़र आएगा एंड उतना जल्दी ही आपका वेट लूज होगा, उतनी जल्दी आपकी बॉडी टोन्ड होगी. फोर्थ एडवांटेज है हमारे पास इसका कि ये आपके कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है. तो आपको अगर आप कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाहते हैं देन दीज बॉडी वर्कआउट्स आर सुपर. फिफ्थ है इट इंक्रीज आवर फ्लेक्सिबिलिटी. अगर हम बात करें जिम जाने वालों की, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी जो कि मस्कुलर भी होंगे और साथ ही साथ उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी. सो अगर हम बात करें बॉडी वेट ट्रेनिंग की तो ये आपकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज़ करेगा ही करेगा बट साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबल रखने में भी आपकी हेल्प करेगा. एंड हमारा सिक्स्थ पॉइंट है लेस इंजरी चांसेस. ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं हैवी ट्रेनिंग की या जिम वर्कआउट की तो उसमें इंजरी होने के बहुत चांसेस हैं. अगर आपका स्टांस ठीक नहीं है या आपने वेट अच्छे से नहीं पकड़ा है या आपने अप्रोप्रिएट वेट नहीं पकड़ा है तो आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जिम में. बट अगर हम बात करें इन सिंपल बॉडी वेट ट्रेनिंग की तो इसमें इंजरी होने के बहुत कम चांसेस हैं. एंड सेकेंड पॉइंट है एथलीट. एथलीट से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये बेस्ट एग्जांपल है बॉडी वेट ट्रेनिंग का. बिकॉज जितने भी हमारे एथलीट्स रहते हैं बिना जिम जाए भी जस्ट बिकॉज उनका जो वर्कआउट जो शेड्यूल होता है वो इतना एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं वो विदाउट यूजिंग एनी इक्विपमेंट या विदाउट गोइंग टू जिम. और साथ ही साथ उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आप घर बैठे बैठे मस्कुलर बन सकते हैं, वेट लूज कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है नो हैवी वेट्स रिक्वायर्ड. तो जो भी आपकी हॉबी है, चाहे वो डांस करना है, चाहे वो स्विमिंग करना है, चाहे वो साइकिलिंग करना है, तो आप कुछ भी कीजिए. बिकॉज अल्टीमेट एम है हमारा कैलोरीज बर्न करना. चाहे वो आप जिम जाके कैलोरी बर्न कीजिए, चाहे वो स्विमिंग करके कीजिए, चाहे वो अपना फेवरेट स्पोर्ट्स ज्वाइन करके कीजिए, चाहे वो आपका ताइक्वांडो है या जूडो कराटे है. एंड हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म. जी हाँ, आपने काफ़ी ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत सारा खाना खाते हैं बट उनका वेट ही नहीं इंक्रीज होता. तो इट इज़ जस्ट बिकॉज उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. सो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फूड का बहुत बड़ा रोल है. तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में ऐसे फूड को इंक्लूड करें जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करें. जैसे कि ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं वर्कआउट से पहले, आप ग्रीन टी को, जितनी भी हर्बल टीज़ हैं उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें. एंड दैट्स इट गाइस. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब मुझे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट, अपने क्वेरीज मुझे कमेंट करके पूछते हैं. एंड काफ़ी लोगों को मेरा चैनल बहुत पसंद आया एंड थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव. एंड मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आप सबकी
अच्छे से हेल्प कर पाऊँ. इनफैक्ट मैंने 5 days का डाइट एंड वर्कआउट प्लान भी बनाया है. सो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो वो 5 days का डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉलो करने के बाद आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आए, तो वो आप कमेंट करते रहा करें. मेरे को बहुत हेल्प मिलती है आपके कमेंट से. दैट्स इट गाइस. तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक करें अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें, मुक्ति गौतम के नाम से. रेगुलर बेसिस पे मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, किन फूड्स को खाने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ. एंड मैं हर मंडे वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे. सो मुझे हर मंडे यूट्यूब पे देखना मत भूलें. एंड दैट्स इट. एंड कीप लाइकिंग मी एंड माय वीडियोस. बाय.